नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा अब नए आएंगे आपको मार्केटिंग वाले फर्जी कॉल, सरकार ने अब कर दी है खास तैयारी। इसके अलावा LPG उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब सिर्फ 500 रुपए में इस राज्य मिलेगा गैस सिलेंडर। रक्षाबंधन से पहले सरकार ने दिया है बड़ा गिफ्ट। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा बिना इजाजत अब काटा पेड़ तो अब देना होगा, इतने 1000 रुपए का जुर्माना, इस राज्य में सरकार ने लागू कर दिया है नया नियम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, सरकारी कार्यों में जूम ऐप के इस्तेमाल को सरकार ने कर दिया है बैन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब नहीं आएंगे आपको मार्केटिंग वाले फर्जी कॉल, सरकार ने अब कर दी है खास तैयारी। सरकार ने स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए जो है एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर को चेतावनी जारी की है। दरअसल दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है ट्राई, उसने इसको लेकर हाल ही में जो है इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में स्पैम कॉल करने वालों पर एक्शन लेने के साथ साथ अनसोलिसिटेड कमर्शियल कॉल की वजह से यूजर्स को आने वाली परेशानी और उनकी शिकायतों की सुनवाई को लेकर चर्चा की। वही सरकार के मुताबिक बिना यहाँ पर एंटिटी की जानकारी के यहाँ पर हेडर्स और कंटेंट टेबलेट्स का गलत इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर को इसका ध्यान जो है रखना होगा। इस बैठक में सरकार और इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के बीच हुई मीटिंग में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई। एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स और डिलीवरी टेलीमार्केटर्स को जो इस तरह के मैसेज भेजने वालों को ट्रेस करके चिन्हित करना होगा। वही मीटिंग में कहा गया कि ट्राई के यहाँ पर रेगुलेशन के मुताबिक किसी भी तरह के प्रमोशनल या फिर रोबोटिक्स कॉल या फिर ऑटो डायलर कॉल्स और प्री रिकॉर्डेड कॉल जैसे ब्लक कम्युनिकेशन के लिए जो है एंटरप्राइज बिजनेस कस्टमर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी DLT का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है। सरकार ने जो स्पैम कॉल है उसको रोकने को लेकर जो है यहाँ पर कोशिश की है। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में जो है फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो है टेलीमार्केटर्स की नई 160 वाली सीरीज शुरू की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस से जुड़े टेलीमार्केटर्स अब नई सीरीज नंबर इस्तेमाल करेंगे जो कि 160 से स्टार्ट होगा, यानी वो जो है कभी कहाँ कहीं भी कॉल करेंगे तो उनको जो है 160 वाली सीरीज से कॉल करना होगा। चलिए बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बिना इजाजत अब काटा पेड़ तो देना होगा, इतने 1000 का जुर्माना सिंध सरकार ने लागू किया है नए नियम। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में जो है कड़े फैसले लिए गए। वो इस बैठक में जो है 13 अहम निर्णय यहाँ पर लिए गए, जिसमें स्वतंत्रता दिवस को लेकर बिना इजाजत पेड़ काटने पर जो है 50,000 रुपए तक जुर्माने लगाने को लेकर कई फैसले लिए गए। दरअसल इस कैबिनेट मीटिंग के दौरान DPCM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार समेत कई मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक में फैसला लिया कि 9 अगस्त को से महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा अभियान चलेगा और यहाँ पर तिरंगा पर चलने की बात यहाँ पर कही है। इसके अलावा किसान आत्महत्या से प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई और महत्वाकांक्षी यहाँ पर नल गंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा अब छोटे शहरों में बुनियादी सुविधाओं को भी यहाँ पर तेज करने की बात कही गई है और महाराष्ट्र के अंदर जो है कई तरह के बड़े फैसले लिए गए। इसमें पेड़ों को लेकर भी यहाँ पर कहा गया कि अब अगर कोई भी जो है यहाँ पर पेड़ काटेगा, यानी पेड़ जो है वो काटेगा तो उसके ऊपर जो है बिना इजाजत पेड़ काटेगा तो 50,000 रुपये के जुर्माने को लेकर भी जो है सरकार की ओर से बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है कि अगर कोई भी यहाँ पर पेड़ को बिना इजाजत यहाँ पर पेड़ काटेगा तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर 50,000 रुपये के जुर्माने की बात यहाँ पर कही गई है। तो 13 महत्वपूर्ण फैसले जो है इस राज्य के अंदर लिए गए हैं, महाराष्ट्र राज्य के अंदर, जिसमें यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर घोषणा हुई है कि बिना अनुमति यानी राज्य में बिना अनुमति के पेड़ काटने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले जुर्माना 1,000 रुपये था। बिना अनुमति के जंगल को नष्ट करने वालों के खिलाफ वन विभाग कार्रवाई जो है वो कर। अगली बड़ी खबर राजस्थान से। ये बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने जूम मीटिंग ऐप पर लगाया है बैन, कर्मचारियों को दी है नसीहत। राजस्थान सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत राजस्थान सरकार ने जूम मीटिंग ऐप को राजकीय कामों में इस्तेमाल करने पर बैन कर दिया। इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जूम मीटिंग ऐप का उपयोग जो है असुरक्षित है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। बताया जा रहा है कि इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश जो है वो दिया गया है। वही निर्देश जो है वहाँ पर दिया गया, सरकार के आदेश में क्या बात लिखी गई है तो आपको बता दें कि सरकार ने यहाँ पर कहा है, शासन सचिव ने जो कहा है उसमें कहा है कि देखा गया है कि राज्य के कार्यालय में मीटिंग के लिए जूम ऐप का उपयोग किया जाता है। इस ऐप पर संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने
साइबर केंद्रों द्वारा जरूरी निर्देश जारी किए गए। इसके अनुसार साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जूम मीटिंग ऐप को राजकीय कार्यों के लिए उपयोग में सुरक्षित बताया गया। इस वजह से जो है राजकीय कार्यों के लिए राजस्थान में जूम मीटिंग ऐप का उपयोग जो है वो नहीं किया जाए, ये संयुक्त सचिव की रिपोर्ट यहाँ पर बात कही गई है। आपको बता दें कि अब तक राजस्थान के यहाँ पर अब तक जो है मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री मीटिंग के लिए जूम मीटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा सरकारी विभाग के अधिकारी भी जो है इस ऐप के जरिए जो है संयुक्त बैठक कर रहे थे, लेकिन अब जो है राजकीय और आधिकारिक तौर पर जूम ऐप का इस्तेमाल मीटिंगों के लिए नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से यहाँ पर पालन करने का निर्देश जो है वो यहाँ पर इस ऐप फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात यहाँ पर कही है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए। अब इस राज्य में भी सिर्फ 500 रुपए मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर, सरकार ने रक्षाबंधन का दिया है गिफ्ट। गैस सिलेंडर त्योहारी सीजन शुरू होने के बाद ज्यादा इस्तेमाल होने लगता है और रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए होगी। वह राज्य सरकार ने यह फैसला मुख्य तौर पर महिलाओं के लिए यहाँ पर लिया है। हालांकि राज्य की बीजेपी सरकार ने यह जरूर स्पष्ट किया है कि 500 रुपए का सिलेंडर पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही मिलने वाला है। तो हरियाणा के अंदर जो है सरकार जो है उसने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात यहाँ पर कही है। ये बड़ा फैसला जो है हरियाणा के अंदर यहाँ पर लिया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इसका फायदा जो है वो मिलेगा। वही हरियाणा सरकार ने इस समय बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हरियाली तीज पर महिलाओं को बहनों को राह देते हुए 500 रुपए में सिलेंडर की बात यहाँ पर कही है देने की। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12 लाख लाभार्थियों बहनों को अब गैस सिलेंडर जो है महज 500 रुपए में मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इस सुविधा का फायदा राज्य के 46 लाख परिवारों को मिलेगा, जो पूरे साल में जो है 1,80,000 रुपए से कम की आय हासिल, मतलब 1,80,000 रुपए से कम की जिनकी आय है। बता दें कुछ साल में जो है मार्च में जो है पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार चलाई थी, तो उनके बाद ये पद सीएम नायब सिंह सैनी को दिया था। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हर घर गैस कनेक्शन पहुँचाने की व्यवस्था की है। अब हमारी सरकार जो है सस्ते में गैस सिलेंडर जो है उपलब्ध करवाएगी। हरियाणा के अंदर जो है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो है सस्ते में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, वीडियो को चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि खबरें जो है आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।